नमस्कार दोस्तों, आशु जी की ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और राजस्थान का भूगोल में जिसे राजस्थान का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान के उद्योग। इन राजस्थान के उद्योग धंधों के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग पढ़ने से पहले एक बार हमें इसका अर्थ, जो उद्योगों से संबंधित इसका अर्थ जानना ज़रूरी है कि उद्योग का अर्थ क्या होता है। देखो, उद्योगों का अर्थ हम की बात अगर हम करते हैं तो व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है वो उद्योग के अंतर्गत आती है। व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो आर्थिक क्रिया करता है वो उद्योगों के अंतर्गत आती है और ये मुद्रा के रूप में होती है। अब इसके लिए हमें कुछ उद्योगों के कंसेप्ट होते हैं, वो उस कंसेप्ट को क्लियर करना होता है। जैसे कि हम यहाँ से बात करें कि उद्योगों को मुख्यतः यहाँ से क्या क्या हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे औद्योगिक श्रेणी आपने देखी होगी कि एक होता है कुटीर उद्योग, एक होता है कुटीर उद्योग, एक हम बात करते हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा वो होता है लघु उद्योग। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और एक हम जैसा कि हम पढ़ते हैं वो हमारा ग्राम उद्योग। तो इनका क्या अर्थ हो सकता है? जैसे कुटीर उद्योग की मैं बात करूं तो इनको इनका जो अर्थ लिया जाता है वो निवेश के आधार पर या उत्पादन के आधार पर लिया जाता है। जैसे इसका भी हम अगर अर्थ लेंगे तो वो निवेश के आधार पर होगा और साथ में उत्पादन के आधार पर होगा। अब कैसा निवेश होगा और किस तरीके का उत्पादन होगा? जैसे इसमें जो निवेश होता है नाम मात्र का निवेश होगा और इसका जो उत्पादन की हम बात करते हैं तो यहाँ जो उत्पादन होगा वो हाथ के द्वारा होगा। हाथ के द्वारा यहाँ पर जो निवेश होगा वो निवेश होगा, पूंजी निवेश होता है, पूंजी निवेश होता है। यहाँ पर उत्पादन की हम बात करें तो उत्पादन यहाँ पर आधुनिक तकनीकें एवं श्रमिकों की प्रधानता होती है। अब आपके दिमाग में चीज आएगी आधुनिक तकनीकें से क्या अर्थ है? यानी कुटीर उद्योग वे उद्योग है जिसमें नाम मात्र का निवेश होगा। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निवेश बहुत कम करते हैं और हाथ के द्वारा उत्पादन करते हैं। इसका मतलब है कि वो स्वयं काम करते हैं। तो वो किस श्रेणी में आएंगे? कुटीर उद्योग की श्रेणी में आएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूंजी का निवेश करते हैं और उसमें आधुनिक तकनीकें तथा श्रमिक लेकर आते हैं, तो वो किस श्रेणी में आएंगे? लघु उद्योग में। इसके साथ में ग्रामोद्योग होता है, तो इस ग्रामोद्योग को भी हम निवेश, और निवेश के साथ में यहाँ पर एक शब्द और दे दिया जाता है और वो शब्द है जनसंख्या के आधार पर। क्योंकि ग्रामोद्योग जो हम स्थापित करेंगे, अगर यहाँ निवेश की हम बात करें तो निवेश यहां जो होगा वो 15,000 से कम पूंजी निवेश, 15,000 से कम पूंजी निवेश होगा। और यहां पर जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ग्रामोद्योग वहीं स्थापित किया जाएगा जहां पर जनसंख्या 10,000 से कम। तो इसका कंसेप्ट सीधा सा आपके समझ में आ गया होगा। एक यहां से क्वेश्चन आता है ग्रामोद्योग के बारे में कि इस ग्रामोद्योग के विकास के लिए एक समिति आई थी और उस समिति का नाम है मीरा सेठ समिति। और ये मीरा सेठ समिति जो आई थी, ये समिति आई थी 21 जनवरी 1997 को। इसने ग्रामोद्योग तथा हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए इसने प्रयास किए। तो यहां से क्वेश्चन बनता है हमारा कि ग्रामोद्योग के लिए कौन सी समिति आई? तो मेरे हिसाब से यहां पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हाथ के द्वारा उत्पादन का मतलब है कि वो स्वयं काम कर रहा है और इसमें जो निवेश होगा वो बिल्कुल नाममात्र का होगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार कर देगा। अब आपके सामने दोस्तों एक दिक्कत ये आ रही होगी कि सर ने यहाँ पर चलो निवेश नहीं लिखा तो हमें समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ तो नाममात्र का निवेश होगा, व्यक्ति अपने हिसाब से कर लेगा, इधर यहाँ पर भी मैंने निवेश लिखा है। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही होगी कि इसमें निवेश किस आधार पर होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और इसको लिख सको। अब मैं बात करता हूँ जैसे लघु उद्योग की। तो देखो लघु उद्योग जो है, इस लघु उद्योग की हम तीन श्रेणियाँ बांटते हैं। यानी इसकी जो हमारी तीन श्रेणियाँ होगी, ये लघु उद्योगों की तीन श्रेणियाँ, या हम बात करते हैं यहाँ पर तीन इकाइयों की। तो इसमें तीन इकाइयाँ हैं, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लघु उद्योग को एक एसपी गुप्ता समिति आती है और ये एसपी गुप्ता समिति इन लघु उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांटती है। अब वो तीन श्रेणियाँ कौन कौन सी होगी? पहली तो होगी जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म,
इकाई, दूसरी जो होगी वो होगी यहाँ पर लघु इकाई, और तीसरी जो होती है यह हम इसको कहते हैं मध्यम इकाई या मध्यम श्रेणी। इनको निवेश के आधार पर बांटा गया है। अब कैसा निवेश है कि इसमें जो निवेश होगा यानी रुपये 10 लाख तक निवेश होगा इसमें, और यहाँ पर लघु उद्योग जो है वो लघु उद्योग के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ 10 लाख से यानी रुपये 10 लाख से 2 करोड़ तक निवेश होगा, यानी रुपये 2 करोड़ तक निवेश होगा, क्योंकि इनका आधार हमारा निवेश का होगा। अगर हम मध्यम इकाई की बात करें तो मध्यम इकाई का जो निवेश होगा वो होगा रुपये 2 करोड़ से 5 करोड़ तक, यानी रुपये 5 करोड़ तक। ये मैंने जो इसकी इकाइयाँ बताई है, जो यहाँ पर ये जो मैंने कंसेप्ट बताया ये कंसेप्ट है लघु उद्योग का, और यहाँ पर मैंने स्पेशल आपको बताया है कि ये SP गुप्ता के द्वारा समिति है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि SP गुप्ता ने जो समिति जारी की उसके अनुसार ये हमारे 3 श्रेणियाँ। तो मुख्यतः आपको उद्योगों का अर्थ समझ में आ गया होगा, साथ में इसके जो हमारे बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर कुटीर उद्योग में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से वह कौन सा उद्योग है जिसमें व्यक्ति अल्प मात्रा में निवेश करता है और स्वयं काम करता है, तो वो किस श्रेणी में आएगा, तो वो हमारे किस श्रेणी में आएगा, कुटीर उद्योग में। और जिसमें निवेश बहुत ज़्यादा होगा तो वो किस श्रेणी में होगा, तो वो हमारा किस में आएगा, लघु उद्योग में। और जैसा कि ग्रामोद्योग के बारे में मैंने बता दिया है, अब इसके बाद में हमारे उद्योगों के अंतर्गत क्या होता है, जैसे अगर हम उद्योग धंधे स्थापित करना चाहते हैं तो उद्योग धंधे स्थापित करने से संबंधित कुछ समस्या आती है। जैसे मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ कि उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए कौन कौन सी समस्या आती है, कौन कौन सी यहाँ पर हमारे जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे अगर हम उद्योग धंधे स्थापित करते हैं तो सबसे पहले हमें एक इस चीज़ का आभास होता है कि वित्तीय समस्या, क्योंकि अगर उद्योग धंधे हम स्थापित कर रहे हैं तो हमारे सामने कहीं ना कहीं वित्त की समस्या आती है, क्योंकि पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी वित्त के साथ में क्या आती है, साथ में हमें वहाँ पर कच्चा माल की भी समस्या आती है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी, कच्चा माल से क्या अर्थ है, अगर किसी भी वस्तु को हमें बनाना है तो उस वस्तु के लिए हमें कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कच्चा माल भी अगर, क्योंकि हमें अगर कच्चा माल सही होगा तो जो वस्तु हम बना रहे हैं वो भी अच्छी होगी। जैसे किसी भी वस्तु के लिए बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, जितना कच्चा माल अच्छा होगा, जैसे हम अगर आइसक्रीम बनाते हैं तो आइसक्रीम के लिए भी हमें कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो आइसक्रीम में हमारा कच्चा माल जो माल मेटर अगर वो ढंग से होगा तो वो बढ़िया बनेगी, अगर हमने उसी तरीके से उसके कच्चे माल में हमने अगर गलत तरीके से उसको पेश कर दिया तो वो हमारी वस्तु बहुत ख़राब हो जाएगी। इसके बाद में तीसरे नंबर पर हम यहाँ से पढ़ते हैं कच्चे माल के साथ में कि वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु की गुणवत्ता भी उद्योग धंधों में एक समस्या है। कैसे, अगर वस्तु की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका उद्योग धंधे बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे, अगर वस्तु की क्वालिटी सही नहीं है तो आपके उद्योग धंधे सही नहीं चलेंगे। और आगे क्या समस्या आती है, इसके साथ में समस्या जैसे सीमित बाजार। अब सीमित बाजार से क्या अर्थ है, कि सीमित बाजार से अर्थ है कि आप उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हो तो आपके लिए मार्केट वही है, आपके लिए एक चुनौती है, तो इसलिए आपको कच्चा माल भी ढंग से उपलब्ध करवाना पड़ेगा, आपको वस्तु की गुणवत्ता भी सही देनी पड़ेगी, और उस सीमित मार्केट में आपको अपने आप को साबित भी करना पड़ेगा। आगे की अगर मैं समस्या की बात करूं तो वो हमारे होती है आधुनिक तकनीकी, क्योंकि आजकल आधुनिक तकनीकी भी एक समस्या आती है। समस्या से यहाँ से तात्पर्य है कि वही वित्त की समस्या है, अगर हमारे पास में उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं और अभी आधुनिक तकनीकी अगर नहीं है तो हमारे लिए वो भी समस्या है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये आ रही होगी कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। देखो, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए कोई एक समस्या नहीं है, 5 समस्या नहीं है, कम से कम 50 समस्या जो हमारे माइंड में आती है, चाहे वो ऊर्जा संसाधन की हो, चाहे वो यातायात की हो, चाहे वो संचार की हो, चाहे वो साधन की हो। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि राजस्थान में उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए या उद्योग धंधे जो स्थापित कर रहे हैं उनमें कौन कौन सी समस्या आती है और उन समस्या के लिए कौन कौन से संस्थान कार्यरत है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि इन समस्याओं को निपटारा के लिए कौन कौन से संस्थान कार्यरत है, तो हम उन संस्थान की बात करते हैं। तो वहाँ से अगर हम बात करें
तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे जो उद्योगों की समस्या आती है, इन उद्योगों की समस्या के लिए जो संस्थान कार्यरत है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रिक्कू की। रिक्कू जो है ये उद्योग धंधे को अग्रसर करता है यानी बढ़ाने के लिए कार्यरत है। अब रिक्कू के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो रिक्कू के बारे में ये चलना चाहिए पता कि इसका पूरा नाम क्या है और कब इसकी स्थापना हुई है। अगर रिक्कू के मैं पूरा नाम की बात करूँ तो इसका पूरा नाम है राजस्थान स्टेट, इंग्लिश में बात करते हैं राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। अगर इसमें हिंदी के बारे में बात करें हम तो यहाँ से इसका हिंदी में नाम क्या होगा, इसका जो हिंदी में नाम होगा वो होगा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, ये इसका पूरा नाम हिंदी में और वहाँ से इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में भी इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो इसकी स्थापना के बारे में हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई है जनवरी 1980 में, स्थापना इसकी जनवरी 1980 में हुई है। इसको पढ़ने से पहले कुछ राजस्थान में दो निकाय और है जैसे कि हम उसकी बात करते हैं, राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम, खनिज विकास निगम, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 28 मार्च 1969 में। इसके बाद में क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे उद्योग धंधे को और खनिजों को आगे लाने के लिए, इनके विकास के लिए एक निकाय गठित किया गया था, उसका नाम है राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम, जिसकी स्थापना 28 मार्च 1969 में की गई है। फिर इसके बाद में उद्योग को खनिज से अलग कर दिया गया और नया निकाय बनाया गया जिसका नाम है राजस्थान खनिज विकास निगम, और जो राजस्थान खनिज विकास निगम है उसकी स्थापना हुई है 1979 में। राजस्थान खनिज विकास निगम की स्थापना 1979 में हुई। फिर इन दो निकाय के बाद में, यानी पहला तो कौन सा हो गया, राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम जिसकी स्थापना ये है, दूसरा क्या है यहाँ से कि इस उद्योग को खनिज से अलग कर दिया गया, और जो हमारा अगला जो संस्थान बनाया गया था वो है राजस्थान खनिज विकास निगम, और उसकी स्थापना जो हुई है वो है 1979 में। फिर इसके बाद में जिसकी स्थापना की गई है और उसका नाम है रिक्कू, और इस रिक्कू की स्थापना जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कब हुई, 1980 में। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा रिक्कू में कि रिक्कू के बारे में, एक तो रिक्कू के कार्य के बारे में कि वास्तव में ये रिक्कू क्या क्या कार्य करता है, तो देखे हम इस रिक्कू के कार्य जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि इसका कार्य क्या होगा, एक यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी अधिकृत पूंजी कितनी होगी, तो इसकी अधिकृत पूंजी जो वो 175 करोड़ है, यानी इसकी अधिकृत पूंजी के बारे में हम बात करें। तो रिक्कू का कार्य क्या होगा, जैसा कि रिक्कू का जो कार्य है वो है औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना। अब एक चीज़ मुझे ये बताओ आप दोस्तों कि अगर हमें औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करनी है तो कहीं ना कहीं हमें भूमि की जरूरत पड़ेगी, तो पहला काम इसका क्या हो गया कि भूमि प्राप्त करके औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना। तो पहला भूमि प्राप्त करके औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, जब हमने भूमि प्राप्त कर ली, जब हमने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर दी, तो तीसरा काम यहाँ से क्या होगा, वो होगा कि उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाओ, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाओ, और वो भी इसके ब्रैकेट में हम बात करें तो बड़े एवं मध्यम उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता जो उपलब्ध करवाने का कार्य करता है वो कौन करता है, रिक्कू करता है। पहला काम भूमि प्राप्त की, भूमि प्राप्त करके औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की, जब हमने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर ली तो हमने उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा दी,
जब हमने वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा दी, यानी इतना सब कुछ दोस्तों काम कर लिया, तो यहाँ से इसका चौथा जो काम बनेगा वो क्या बनेगा कि आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध करवा दो। तो अगला इसका काम क्या है कि आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करेगा। यहाँ से क्वेश्चन जैसे पिछले बार बना था कि राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए कौन सा निकाय कार्यरत है या कौन सा संस्थान कार्यरत है, तो कौन सा है, रिक्को। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए जो भूमि आवंटन का काम करता है, यानी भूमि बंटवारे का जो काम करता है, यानी भूमि जो देता है, वो कौन सा निकाय है या कौन सा संस्थान है, वो है रिक्को। फिर इसके बाद में यहाँ से वित्तीय सहायता की बड़े और मध्यम उद्योग आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम भी कौन करेगा, रिक्को। इसके बाद में अगला काम यहाँ से होगा वो होगा कि प्रवासी भारतीयों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम भी कौन करेगा, रिक्को। प्रवासी भारतीयों से क्या संबंध है कि जिनका संबंध भारत से है और वो अपना व्यापार विदेश में कर रहे हैं, उन लोगों को विशेष अवसर इसलिए दिया जाता है ताकि विदेश से जो लोग यहाँ आए उनके लिए हम अगर विशेष अवसर उपलब्ध करवाएं, यानी विशेष आवश्यकता उपलब्ध करवाएं, तो वो लोग यहाँ उद्योग धंधे स्थापित करेंगे और हमारे इस राजस्थान के जो GDP है, जो भारत की GDP है, उसमें विकास होता है। क्योंकि विदेशी लोग अगर यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का भी जो स्टॉक है वो बढ़ेगा। तो यहाँ से मुख्यतः दोस्तों आपको ये काम सारे के सारे इसके याद हो गए होंगे। सबसे पहले भूमि प्राप्त करेगा, जब भूमि प्राप्त करेगा तो उसमें औद्योगिक इकाई की स्थापना कर लेंगे, और जब औद्योगिक इकाई की स्थापना कर लेंगे तो उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा देंगे बड़े तथा मध्यम उद्योगों के लिए। फिर आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी और प्रवासी भारतीयों को विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करवा देगा। इसका एक कार्य और है, जैसा कि जो नीतियों का संचालन या नीतियों को प्रोत्साहन करने का काम भी कौन करेगा, रिक्को ही करेगा। आपको मैं समझता हूँ ये कार्य अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसके साथ में और इसके क्या कार्य रिक्को के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके अन्य कार्य में क्या होंगे कि यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्या क्वेश्चन बनेंगे कि रिक्को के जो कार्य हम मुख्यतः इसको चार भागों में बांटकर पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मैं रिक्को की बात करूं यहां से, तो एक तो हम पढ़ते हैं यहां पर औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा हम यहां से पढ़ेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र। दूसरा क्या पढ़ेंगे, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तीसरा यहां से हम पढ़ेंगे औद्योगिक पार्क या हम पढ़ेंगे जोन। अब यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, जैसे औद्योगिक क्षेत्र की मैं बात करूँ तो जैसे टप्पुकड़ा, जैसे भिवाड़ी, जैसे पाथरेड़ी, जैसे नीमराना, गिलोट। आप नोटबुक साथ में लेकर इनको नोट कर ले, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर 6 नंबर पर यहाँ से बात करें तो बोरानाड़ा, 7वें नंबर पर अगर हम यहाँ से बात करें, 7वें नंबर पर यहाँ पर बात करें तो वो होगा विश्वकर्मा। फिर यहाँ से 8वें नंबर पर हम बात करें तो वो होगा भगत की कोठी। बोरानाड़ा जोधपुर में है, विश्वकर्मा जयपुर में है, भगत की कोठी जो है वो जोधपुर में है। और साथ में यहाँ से इंद्रप्रस्थ के बारे में हम पढ़ते हैं, इंद्रप्रस्थ जो है दोस्तों वो कोटा में है। और बाकी ये जो सारे के सारे यहाँ से मैंने लिखे हैं, टप्पुकड़ा, भिवाड़ी, पाथरेड़ी, नीमराना और गिलोट, ये सारे के सारे अलवर में हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से एक तो सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि इन औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में, जैसे पूछ लेता है कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में होगा, अलवर में। या पूछ लेगा कि इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में है, तो वो क्या होगा, कोटा। लेकिन एक यहाँ से जो अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है, जैसे LDC जो सेकेंड ग्रेड था पिछले साल हुआ था, वहाँ से ये क्वेश्चन आया था,
और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में भिवाड़ी, पाथरेड़ी, नीमराना से, गिलोट से क्वेश्चन आ चुके हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से जो अच्छा लेवल बनेगा वो ये बनेगा कि आपसे वो पूछ सकता है कि नीमराना औद्योगिक क्षेत्र अलवर में है जो कि किसके द्वारा संचालित है, और वो किसके द्वारा संचालित है, रिक्को के द्वारा। एक तो इन क्षेत्र जो इन औद्योगिक क्षेत्र के जिले याद करने हैं, साथ साथ में जिलों के साथ में ये भी याद करना है कि ये संचालित किसके द्वारा है, और यही हमारा मोस्ट सबसे अच्छा क्वेश्चन यही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक तो हमने इसके कार्य पढ़े हैं, और यहाँ पर हम अभी हमने रिको के कार्य पढ़े हैं, अभी तो हम राजसिको के कार्य पढ़ेंगे, हम आगे राज्य वित्त निगम आएगा उसके कार्य पढ़ेंगे। तो इनमें से आप जरूर ध्यान रखना कि टप्पूगढ़ा औद्योगिक क्षेत्र अलवर में, भिवाड़ी अलवर में, पाथरेड़ी अलवर में, नीमराना अलवर में, गिलोट अलवर में, ये सारे के सारे औद्योगिक क्षेत्र जो रिको के द्वारा संचालित है। एक तो ये औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, आप औद्योगिक क्षेत्र को नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में पढ़ लें। अब विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है इसमें किस तरीके से हैं कि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा, यानी पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया, हम यहाँ से बात करते हैं अगले दूसरे की विशेष आर्थिक क्षेत्र की। तो देखो विशेष आर्थिक क्षेत्र बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसको हम बोलते हैं स्पेशियल इको जोन, स्पेशियल इको जोन। शॉर्ट में अगर हम इसको बोलें तो हम इसको बोलते हैं सेज, सेज। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा सा ये बनता है कि सेज राजस्थान में कितने हैं और ये सेज किसके द्वारा संचालित है। तो सेज जो संचालित है वो किसके द्वारा संचालित है, रिको के द्वारा संचालित है। अब ये सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से बात करूँ बोरानाड़ा की, बोरानाड़ा, और ये जो बोरानाड़ा है ये कहाँ पर है, जोधपुर में। पहला ये सेज है, इसको बोरानाड़ा को हम राजस्थान का प्रथम सेज कहते हैं। जो राजस्थान का पहला सेज होगा वो कौन सा होगा, बोरानाड़ा। इसके बाद में हम यहाँ से बात करते हैं तो वो होगा हमारा नीमराना। अब ये हमारा जो बोरानाड़ा है ये किस क्षेत्र में कार्यरत है, ये हस्तशिल्प में कार्यरत है। किसमें कार्यरत है, हस्तशिल्प में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में है और किस क्षेत्र में कार्यरत है, तो हस्तशिल्प में कार्यरत है। दूसरे की हम यहाँ से बात करें तो नीमराना है, और ये नीमराना जैसे कि मैंने पहले बता दिया अलवर में है, और ये जिस क्षेत्र में कार्यरत है वो क्षेत्र है होजरी क्षेत्र। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले बन चुका है, देखो टॉपिक आपका दोस्तों हार्ड होगा लेकिन बहुत मोस्ट टॉपिक है, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में उद्योग, ऊर्जा और खनिज के बगैर पेपर नहीं बनता है। यहाँ से सारा कंसेप्ट हमें क्लियर करना पड़ेगा। पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न आया था, और वो प्रश्न ये था कि उसमें चार सेज दे रखे थे और चार सेज के सामने ऑप्शन में दे रखा था, जैसे हस्तशिल्प बोरानाड़ा होगा, होजरी नीमराना होगा, सेज पढ़ रहे हैं, और राजस्थान का पहला सेज कौन सा है, बोरानाड़ा। तीसरे अगर सेज की हम यहाँ से बात करें तो जो तीसरा हमारा यहाँ से क्षेत्र होगा वो होगा सीतापुरा, और सीतापुरा जो है वो कहाँ पर है, जयपुर में। अब ये किस क्षेत्र में कार्यरत होगा, ये है जेम्स एंड ज्वेलरी में, जेम्स एंड ज्वेलरी में। अब आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि जेम्स एंड ज्वेलरी का मतलब क्या है, तो एक ये ध्यान रखना है सीतापुरा जो है हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी में कार्यरत है। और अगर हम इस औद्योगिक जो हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र है इसमें अगर मैं यहाँ से बात करूँ चार नंबर पर, तो वो हमारा होगा महिंद्रा सेज, महिंद्रा सेज। और ये महिंद्रा सेज जो है ये भी जयपुर में है। ये किस क्षेत्र में है, ये जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का नाम है आईटी सेंटर। आईटी सेंटर का मतलब है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी में ये कार्यरत है। तो ये जरूर ध्यान रखना, हस्तशिल्प में बोरानाड़ा हो गया, होजरी में नीमराना हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी में सीतापुरा हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महिंद्रा सेज हो गया। इसके बाद में हम यहाँ से पाँच नंबर पर बात करें तो हमारा एक सेज होगा ऊन गलीचा, और ये ऊन गलीचा जिसे आपको नाम से स्पष्ट है, ऊन गलीचा, जो ऊन गलीचा है ये हमारे बीकानेर में है। और ये किस क्षेत्र में होगा, नाम से स्पष्ट है कि ऊन के क्षेत्र में होगा, ठीक है। और इसके बाद में जो हमारा छठा जो सेज होगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो हमारा यानी जिस क्षेत्र में कार्यरत है जिसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल्स सेज, टेक्सटाइल सेज।
एक ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर टेक्सटाइल सेज लिखा है, मैंने यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क नहीं लिखा है। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में है और ये टेक्सटाइल सेज है, टेक्सटाइल कपड़ों से संबंधित है। और ये टेक्सटाइल सेज जो है ये राजस्थान के बीकानेर जिले में, यहाँ से क्या फोकस करना है, आपसे पूछे कि वर्तमान में राजस्थान में कुल सेज जो होंगे मुख्यतः जो रिक्कू के द्वारा संचालित है वो 6 सेज है, लेकिन आपसे पूछे कि सेज कितने जिलों में संचालित है, तो देखो कितने जिलों में संचालित है, एक जोधपुर, नीमराना कहाँ पर है, अलवर में, दूसरा तीसरा कहाँ पर है, जयपुर में, और महिंद्रा सेज भी कहाँ पर है, जयपुर में, और यहाँ पर जो ऊन गलीचा और जो टेक्सटाइल सेज है ये कहाँ पर है, बीकानेर में। तो इसका मतलब सेज तो कुल 6 है लेकिन जिले कितने हैं, 4। किस क्षेत्र में है, क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि सेज किसके द्वारा संचालित है, रिक्कू। जैसा कि मैं पिछले वाली बात रिवाइज कर देता हूँ, आपने पढ़ा होगा गिलोट जो औद्योगिक क्षेत्र है वो भी रिक्कू के द्वारा संचालित है, और यहाँ पर ये भी सारी चीज़ें कहाँ से हैं, रिक्कू के द्वारा संचालित है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, बहुत अच्छा मैटर है, यहाँ से क्वेश्चन आना 110% फिक्स है। अगर आपने इस बार के जो ज्योग्राफी के पेपर हुए थे फर्स्ट ग्रेड के जो जनवरी में हुए थे, उनमें आप देख सकते हो कि हर एक ज्योग्राफी का जो यहाँ से पेपर हुआ था ज्योग्राफी में, उससे यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन थे जो मैं आगे सारे संस्थान पढ़ाऊँगा। और जब जिस संस्थान में मैंने पहले भी पढ़ाया है आज से 1 साल पहले, तो 1 साल पहले भी मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा दी थी, और अब से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप भी दोस्तों इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो ये हमारा हो गया पहला तो औद्योगिक क्षेत्र, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब तीसरा जो हम यहाँ से पढ़ेंगे वो हमारा होगा, हमारा औद्योगिक पार्क। औद्योगिक पार्क देखो, मैं आपको यहाँ पर पार्क के बारे में बात बता रहा हूँ, ये वो वाला पार्क नहीं है कि मैं मंदिर के बहाने आगे तुझसे मिलने के लिए, ना ये वाला पार्क नहीं है, ये वो वाला पार्क है जो मैं सोच रहा हूँ। और मैं क्या सोच रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, और जो क्या सोच रहा हूँ जो भी लिख दूंगा। ध्यान रखना, मैं ज्योग्राफी करवाऊँगा तो पूरे अच्छे लेवल से करवाऊँगा, बढ़िया तरीके से, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, और इसमें से लगभग मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा नाम तो नहीं लिखूँगा लेकिन 15 से 20 नाम तो लिखा दूँगा। अब 15 से 20 नाम यहाँ लिखवा दिए मैंने, 9 नाम मैंने पहले लिखवा दिए और 6 ही हो गए, तो भाई 15 और 9 24, और 24 6 बात करें 30, तो ज़्यादा तो नहीं होंगे नाम, हम पढ़ेंगे 50-60 के आसपास जो हम पूरा पढ़ लेंगे, जब आगे भी पढ़ेंगे ना, जैसे ये तो रिक्कू पढ़ रहे हैं, आगे राशि को भी पढ़ेंगे, वित्त निगम भी पढ़ेंगे, तो ज़्यादा नाम नहीं, टेंशन ना ले, 50-60 है ना, आपको कहीं नहीं मिलेंगे मेरे इस चैनल के अलावा। आप इस चीज़ को लिख लेना अभी से, अगर आशू जी के ट्रिक्स के अलावा इतना मैटर कहीं मिल जाए तो मुझे मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में कि सर इतना अच्छा मैटर मिल गया, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में मैं काफ़ी 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ का एनालिसिस किया दोस्तों, ऐसा मैटर कहीं नहीं मिलता, बढ़िया तरीके से दूंगा, एक लेवल से, जो रिक्को का काम है वो रिक्को का ही काम है, उसको हम राशि को में नहीं डालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से आप पिछले साल के पेपर उठा के देखो, बहुत सारे क्वेश्चन बने, उसने रिक्को का काम दे दिया, राशि को का काम दे दिया, तो आपको सुमिलित करने में पूछा जाएगा ना। तो यहाँ से औद्योगिक पार्क के बारे में बात करते हैं, जोन के बारे में, तो जैसे जोन की मैं यहाँ से बात करूँ, तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स की। फार्मास्यूटिकल जो है दोस्तों वो हमारे उदयपुर में है जो पार्क है। दूसरा यहाँ से अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स के बाद में, तो वो है जैसे सिरेमिक पार्क। सिरेमिक पार्क चाहे राजस्थान पुलिस हो, कई बार पूछा गया सिरेमिक पार्क कहाँ पर है, तो सिरेमिक पार्क दो जगह है, एक तो खारा में है, खारा है बीकानेर में, और दूसरा खारा के साथ में बात करें तो वो हमारा होगा नीमराना में। यानी सिरेमिक पार्क दो जगह है जो कांच उद्योग से संबंधित है, खारा में भी है और बीकानेर में भी। इसके बाद में अगर हम बात करें सिरेमिक पार्क के बाद में, तो हमारा अगला पार्क जो होगा वो होगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट जोन। और ये ट्रांसपोर्ट जोन जो है ये राजसमंद में है। एक चीज़ मैं फिर से आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, या तो वो इस पार्क या जोन के बारे में आपको दे देगा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया तो आप उसको कर लोगे। दूसरा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, 4 आपको ऑप्शन देगा, सुमिलित करने के लिए पूछेगा कि निम्न से मिलान कीजिए, एक तो वो क्वेश्चन अच्छा बनता है। दूसरा क्या बनता है, दूसरा ये बनता है कि सिरेमिक जोन जो है या सिरेमिक पार्क जो है ये किसके द्वारा संचालित है दोस्तों, रिक्को के। मेरे हिसाब से अगर अच्छा क्वेश्चन बनता है तो वो यही बनेगा, सिरेमिक जोन।
किसके द्वारा संचालित है? फार्मास्यूटिकल जोन किसके द्वारा संचालित है? अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट जोन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा है? राशन। आगे हम यहाँ से बात करें तो जो हमारा होगा एकीकृत कपड़ा पार्क, एकीकृत कपड़ा पार्क, और ये एकीकृत कपड़ा पार्क जो है ये जयपुर में है। इसके साथ में हम बात करते हैं अपेरल पार्क, और अपेरल पार्क जो है वो महला में है, और महला जो है वो जयपुर में है। इसके बाद में हम छठे पार्क की यहाँ से बात करें तो जैसे जेट्रो पार्क है, जेट्रो पार्क है, साथ में कोटरा पार्क है, और ये भी राजस्थान के अलवर ज़िले में है। इसके बाद में हम यहाँ से बात करें तो हमारा बायो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी पार्क है, और बायो टेक्नोलॉजी जो पार्क है वो सीतापुरा में है। और आपको जैसे पता होगा, मैं बता चुका हूँ सीतापुरा जयपुर में है, लेकिन साथ में यहाँ पर एक और है जिसको हम बोलते हैं चौंपकी, और चौंपकी जो है वो अलवर में है। एक विशेष रूप से ध्यान रखना कि बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है ये सीतापुरा में है, तो आप इसको सीतापुरा याद रखिए या चौंपकी याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है चौंपकी अलवर में है, लेकिन वो सुमिलित करने के लिए हो सकता है वो आपको अलवर ना दे और आपको चौंपकी दे दे। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे वाले पार्क की हम बात करते हैं, अब हम आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और ये यहाँ तक आपको मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, हमने रिको के बारे में पढ़ा। आगे जो भी संस्थान होगा उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।